सरोकार। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक आज, तेलंगाना के सीएम के सीआर करेंगे बहिष्कार। इसरो ने रचा इतिहास, श्रीहरिकोटम से अपना पहला एसएसएलवी D1 किया लॉन्च। जगदीप धनखड़ बने देश के नए उपराष्ट्रपति, 200 वोट भी नहीं पा सके विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट सलवा। देश में कोरोना वायरस के मामलों में आई कमी, पिछले 24 घंटों में 18,378 नए मरीज। नवीन ने 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग इवेंट में पाकिस्तान के रेसलर को हराकर देश के लिए जीता गोल्ड मेडल। नमस्कार, मैं हूँ मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। शनिवार को उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में उन्होंने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अलवा को हरा दिया। चुनाव में कुल 725 सदस्यों ने वोट किया, इनमें से धनखड़ को तकरीबन 528 वोट मिले, जबकि विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अलवा को 200 से भी कम वोट मिले हैं, जबकि 15 वोट अमान्य भी कर दिए गए हैं। जगदीप धनखड़ 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। इधर पीएम मोदी ने दिल्ली में जगदीप धनखड़ से मुलाकात करते हुए उनको जीत की बधाई दी है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शाहजहांपुर में ठेले वालों को भाजपा नेत्री ने झंडा वितरित किया। भाजपा नेत्री नीतू गुप्ता के नेतृत्व में बहादुरगंज बाजार में छोटे दुकानदारों और ठेले वाले राहगीरों को निशुल्क झंडे वितरित किए गए। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पीएम मोदी के अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से तिरंगा झंडा बांटा जा रहा है। इस बाजार में 501 झंडे निशुल्क वितरित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो आपको बताते चले कि पूरा देश आजादी के 75 साल मना रहा है, इसी कड़ी में झंडा यात्रा जो अभियान है उसको रफ्तार देने के लिए शाहजहांपुर में भाजपा नेत्री ने भी छोटे दुकानदारों और राहगीरों को निशुल्क झंडे वितरित किए। आज हमने जो मोदी जी के द्वारा अमृत महोत्सव अभियान चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत हमने यहाँ पे झंडा बांटा है। उन लोगों को हमने कोशिश की है झंडा दें जो नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन उनके घरों में उनकी इच्छा होती है कि वो झंडे को लगाएं, क्योंकि झंडा जो है वो एक सम्मान का हमारे प्रतीक है और हमारा राष्ट्रध्वज है। तो इस उपलक्ष्य में हमने आज यहाँ पर जो मोची हैं या जो ठेले वाले हैं उनको हमने झंडा वितरित किया है कि वो अपने घरों पे लगा सकें और वो भी एक खुशी महसूस कर सकें। जैसे हम होली दीपावली मनाते हैं उसी तरीके से ये हमारा त्यौहार है, जो हमें 15 अगस्त भी उसी तरीके से खुश होकर मनाना है। देश के नाम कई मेडल हासिल कर अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री और पद्म भूषण पुलोला गोपीचंद अब फरीदाबाद के एक निजी स्कूल में बच्चों को बैडमिंटन का प्रशिक्षण देंगे। उन्होंने बैडमिंटन का प्रशिक्षण देने को लेकर फरीदाबाद के सेक्टर 88 स्थित एक निजी स्कूल से MOU साइन किया है। बता दें कि पुलेला गोपीचंद ने सानिया नेहवाल और PV सिंधु जैसे बैडमिंटन के बड़े खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया हुआ है और दोनों खिलाड़ी अब तक देश को कई गोल्ड मेडल भी दिला चुके हैं। फरीदाबाद पहुंचे पुलेला गोपीचंद ने कहा कि सरकार और बैडमिंटन एसोसिएशन का काफी सहयोग रहा है, इसके चलते अब इस खेल को बड़ा बढ़ावा मिला है। बहुत खुशी की बात है कि आज जैसे स्कूल में आज स्पोर्ट्स के प्रति इतना बढ़ावा मिल रहा है और बैडमिंटन का जो स्पोर्ट है उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और प्लेयर्स को या स्टूडेंट्स को जो फैसिलिटी चाहिए वो आज इतने बच्चों को मिल रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। और मैं डेफिनेटली सोचता हूँ कि यहाँ पे या भारत देश में कहीं पे भी बैडमिंटन का टैलेंट का कोई कमी नहीं है, अगर कमी है तो
इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी और कल्चर की, और उम्मीद है कि जिस तरह का जो प्रोत्साहन हमें मिल रहा है उससे ज़रूर आगे आने वाले समय में हमें अच्छे बच्चे यहाँ से प्लेयर बन के उभर के आएंगे ऐसी। अलीगढ़ में सेंटर पॉइंट व्यापार मंडल के प्रतिस्पर्धा भरे चुनाव में दीपक गर्ग अध्यक्ष निर्वाचित हुए। महामंत्री पद पर राजेश अग्रवाल और कोषाध्यक्ष पद पर नवीन शर्मा विजेता बने। चुनाव में जीत हासिल करने वाले लोगों को इस दौरान बधाई भी दी गई। तो आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह व्यापारियों में हर्ष का माहौल इस चुनाव के नतीजे आने के बाद देखने को मिला। मेरा नाम नवीन कुमार शर्मा है, कोषाध्यक्ष से मैं अभी विजेता घोषित हुआ हूँ। आज की जीत मैं अपने सेंटर पॉइंट व्यापार मंडल के जितने भी व्यापारी भाई हैं, मैं ये उनकी जीत है, ये मेरी अकेले की जीत नहीं है, ये मेरी पूरी टीम की जीत है जो दिन और रात लगी रही। ये मेरे सभी व्यापारी भाइयों की भी बड़ी मेहनत है कि उन्होंने मुझे जिताया, उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, और सबसे बड़े हमारे समन भैया, इन्होंने मुझे पूरी तन मन धन से मतलब आशीर्वाद दिया। हमारे राजीव भाई साहब और दीपक जी और राजेश जी, इन सभी ने हमें बड़ा प्यार देके मतलब पूरी विवेक जी कैप्टन साहब जी हमारे भाई साहब सब व्यापारियों को, सभी व्यापारी भाई, हमारा एक पूरा परिवार है सेंटर पॉइंट, कोई अलग नहीं है, कोई जीत हार नहीं है, ये तो एक फॉर्मेलिटी है जो हमें पूरी करनी है बस। कितने वोटर क्या मैं ये भी नहीं बताऊंगा, सब सब एक ही है, कोई अलग नहीं है, सेंटर पॉइंट के समस्त व्यापारियों ने जो दिल से अपना प्यार दिया है और सही चुनाव किया है उसके लिए मैं सब सेंटर पॉइंट के व्यापारियों का हृदय से आभारी हूं। और सभी ने बड़े मिलजुल कर बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक अविस्मरणीय जीत दिलवाई है हमारी टीम को, सभी की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। संभल में मुहर्रम 7वीं तारीख पर अलम के जुलूस निकाले गए। जुलूस में अलमदारों की काफी भीड़ दिखाई दी। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। अलम जुलूस निकालने वाले मार्गों पर जांच पड़ताल की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कई थानों के फोर्स भी मौजूद रही। जुलूस में 72 साथियों की शहादत को याद किया गया, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से संभल में मुस्तैद था ताकि जनपद के लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया जा सके और किसी भी तरह की अव्यवस्था या अराजकता ना फैलने पाए। संभल में मामूनी विवाद के चलते दबंग लोगों ने चाचा भतीजे पर जमकर लाठी डंडे से वार किया। दबंगों की इस मारपीट में चाचा भतीजे गंभीर रूप से घायल हो गए। वही पूरे मामले को लेकर जानकारी दी गई कि सहायिका पंचायत से गांव के ही एक व्यक्ति ने अभद्रता की थी, जिसके बाद दबंग लोगों ने परिवार के साथ मारपीट की। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में अब भर्ती भी करा दिया गया है। ये मामला लड़क राजस्थान में लड़की हमारी दुकान पर खड़ी थी जी, तो कुछ बच्चे उनको लड़का कुछ कह रहा था लड़की से जी, हमारे लड़की ने उससे लड़की से कह दी जी, तब वो भैया कह गया जी, तो उसने धमकी दी हमारे लड़ने के साथ बच्चे हाथ से भागने के बाद वो चला गया जी। इतनी तो टाइम पे बात हुआ इन लोगों में जी, तो उसके बाद में हमारा लड़का घर खेत पता घर को आ रहा था साइकिल लेकर जी, उसमें कट्टे भूनते थे 10-20 किलो जी, भाई पकड़ के उनको हमारे चचा भैया भैया हमारे जी आए हुए उधर से, आने के बाद में तो उन्होंने भाई दोनों ही मोटर साइकिल की और मुठाई पकड़ ली। अच्छा, और डंडा से और बता रहे चप्पू है और डंडे हैं उन पे जी, वे पांच जने हैं सब लोग। महाराजगंज में भारी संख्या में विशेष समुदाय के लोगों ने तिरंगा रैली निकालकर घर घर तिरंगा वितरित किया और लोगों से इस अभियान को सफल बनाने की भी अपील की गई। आपको बताते चले कि 13 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने का अभियान चलाया जा रहा है, जहां एक तरफ विभिन्न सरकारी संगठन इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं, तो वहीं समाज से जुड़े लोग भी इस अभियान से जुड़कर लोगों को इस आजादी के खास जश्न से जुड़ने की अपील कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें महाराजगंज से निकल के सामने आ रही है। और आप एक अच्छी तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं महाराजगंज से कि किस तरह से लोगों द्वारा व्यापारियों को राहगीरों को झंडा दिया जा रहा है, और जिससे हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाया जा सके।
हर घर हर दुकान पे तिरंगा फहराया जाए और इनकलाब आज़ादी एकदम अदब से मनाया जाए और हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी और हमारे वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ जी उन्होंने एक अमृत महोत्सव का प्रोग्राम रखा है। भारत की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत आज नवगंगा तहसील के सभी हमारी क्षेत्रवासी सभी धर्म संप्रदाय वर्ग के लोग साथ मिलकर के हर घर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और लोगों को घर घर और अपनी दुकानों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अलीगढ़ में खड़ी हुई सीएनजी कार में भीषण आग लग गई। आग लगने से बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं मौके पर कार सवारों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। जबकि आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, तो आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से एक बीच सड़क पर खड़ी कार अचानक से धू धू कर जलने लगी। जबकि फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। अलीगढ़ के अकराबाद थाना इलाके में तेज रफ्तार ट्रक और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस टक्कर में कार चालक सहित महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में अब भर्ती भी करा दिया गया है, साथ ही शवों को अब पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। बदायूं के थाना अलापुर क्षेत्र के ग्राम बिलहरी निवासी बारिश की पुत्री को नजदीकी गांव गौरामई का रहने वाला युवक अपने साथ लेकर फरार हो गया। बेटी के भागने पर परिजनों ने पुलिस से इस पूरे मामले की शिकायत की, तो परिजनों ने बताया कि घर से सारा सामान और ज्वेलरी लेकर बेटी घर से फरार हुई है। गवर्नमेंट के लड़के पानी से आए गए थे, वो लड़की को निकाल के ले गए थे। हम सब लोग सोते थे, हमारा कोई चीज़ नहीं रहा, सब चीज़ निकाल के ले गए। हमने अलापुर के थाने में शिकायत करी, इधर गए निकाल दिया, किसी ने किस बात नहीं सुनी। अलापुर के थाने में कल सुबह का रात का 3 बजे का हमारी लड़की की गवर्नमेंट से लड़के आए रात में, हमारे यहाँ से लड़के 4-5 थे ले गए लड़की को निकाल के, तो जितना माला होगी सब साथ ले गए। अच्छा, आप जब सुबह उठे सो गए तो आपकी लड़की नहीं थी? देखे लड़की हमारी दीवार खुले थे, ताला लगा था, ताला अलग था, लड़की देखी इधर उधर देखी कहीं नहीं मिली। आपने इसकी लिखित शिकायत थाने में की? थाने में गए ऐसा साहब ने, उन्होंने वो हमारे थे वो उन्होंने तहरीर की, वो कोई उसकी वो नहीं कह रहे हैं कि तमाम फैसला कर लो। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? हमारी लड़की वापस मिल जाए, हमारा जो माल गया वो मिल जाए हमारे वापस। अलीगढ़ के गोंडा थाना में दबंगों की दबंगई सामने आई है। जमीन पर बाउंड्री वॉल कराने पहुंचे कार स्वामी की कार में दबंगों ने ट्रैक्टर से टक्कर मार दी। वहीं घटना का लाइव वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में लाठी डंडों से भी महिला पुरुष कार को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि ये वीडियो 8 दिन पुराना बताया जा रहा है। वही पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले में जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें ट्रैक्टर के द्वारा कार को टक्कर मारी जा रही है। इस वीडियो के संबंध में अवगत कराना है कि ये वीडियो लगभग 1 सप्ताह पुराना है और जिसके संबंध में तत्समय ही थाना गोंडा पर वादी पक्ष की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर सम्यक धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया था। आक्रामक पक्ष के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई भी पुलिस द्वारा करवाई गई थी, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ के कोतवाली इगलास के कस्बे में एक अनियंत्रित ट्रक ने कार में टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रक के द्वारा गांव करथला के पास भी एक कार को रौंद दिया गया।
दोनों कारों में सवार करीब 6 लोगों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, जिन्हें स्वास्थ्य केंद्र इगलास में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस को हुई तो मौके पर पहुंची इलाका पुलिस भी हरकत में आ गई। पुलिस ने इस पूरे मामले के बाद जांच के आदेश दिए हैं कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। इतनी देर मुझसे पीछे ही मेरी गाड़ी में गाड़ी नंबर, ये ट्रक ने कितना नंबर भी है, इसने एक्सीडेंट मार दिया और मेरी गाड़ी पूर्ण तरीके से डैमेज है। तो कौन सी गाड़ी थी आपकी? मेरी थी ट्यूबी कार थी आपकी? महिंद्रा कार थी। कार? अच्छा, तो किस तरीके का नुकसान वगैरह हुआ है? एक साइड पूरी खत्म कर दी है और पीछे आगे से भी बहुत बड़ा नुकसान है मेरी गाड़ी में। जैसे जो जो कैंटा जो आपकी गाड़ी में नुकसान कर गई है, क्या उसने किसी और कार को भी ठोका है क्या? हाँ, पता चला है कि करीबन 2.5 किलोमीटर दूरी पर, 2 किलोमीटर दूरी पर गोंडा की तरफ से। सुल्तानपुर के नगर कोतवाली में अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस की माने तो पुरानी रंजिश में भतीजे ने इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं घटना की सूचना लगते ही भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है। फिलहाल आरोपी भतीजे ने पुलिस को सरेंडर कर दिया है और पुलिस भतीजे से अब जांच पड़ताल में भी जुट गई है। हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।